हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आज मैं बिल्कुल ही बिना मेकअप आ गई हूं। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक फेस मास्क जो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है एंड उससे आप लोगों के स्किन पे जो भी डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स हैं वो दूर हो जाएंगे एंड एक्ने मार्क्स भी। तो मैं आज मास्क का प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसको लगा के भी दिखाऊंगी एंड उसके पहले एंड बाद में क्या क्या करना है वो सब कुछ शेयर करूंगी। सो वीडियो ज़रूर पूरा एंड तक देखना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेस मास्क लगाने से पहले मैं फेस को वॉश कर लूंगी एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये एवर यूथ नेचुरल्स का तुलसी टर्मरिक फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों का स्किन एक्ने प्रोन एंड बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं इसका थोड़ा सा ले लूंगी एंड इसको अप्लाई करूंगी। जब भी फेस वॉश करें तब आप लोग जो फेस वॉश है उसको तकरीबन 1 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करें ऐसे ही सर्कुलर मोशन में, तो जो भी डर्ट एंड पॉल्यूशन है वो निकल जाता है अच्छे से। सो ये हो गया है, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अब चलिए देखते हैं कि वो फेस मास्क बनाते कैसे हैं। फर्स्ट लेना है हाफ क्यूकम्बर एंड उसको स्लाइस करके काट लेना है एंड उसका पील ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड फिर इसको मिक्सर में डाल के उसका जूस मैंने निकाल लिया है एंड उसके अंदर 2 टीस्पून ऑफ कर्ड लेना है एंड फिर उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके उसको मिला देना है। तो ये फेस मास्क रेडी है, बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है, आप लोगों को सिर्फ वाटर की तरह इसको लगा के छोड़ देना है। सो इसको लगा रही हूँ मैं अब। इसमें क्यूकम्बर है जो डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने स्कार्स को रिमूव करता है एंड है कर्ड जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल जो एक्ने को प्रिवेंट करता है एंड डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करता है। सो ये पूरा लग गया है और अब मैं इसको 10 मिनट्स तक रखूंगी एंड उसके बाद ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लूंगी। सो 10 मिनट्स हो गए हैं एंड फेस मास्क जो है वो बहुत सारा एब्जॉर्ब भी हो गया है, आप लोग देख सकते हो। इसको फ्रेश बना के ही लगाना, इसको स्टोर करके मत रखना। सो मैं इसको वॉश करके फिर मिलती हूँ। सो फेस वॉश हो गया है और आप लोग देख सकते हो फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा है एंड इस वाले मास्क को आप लोगों को वीक में एक बार लगाना है। सो आप लोगों को धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके बाद मैं क्या करूँगी, एज अ टोनर मैं एक रोज़ वाटर को लगाऊंगी। आप लोगों के पास जो भी रोज़ वाटर हो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो या फिर आप जो टोनर चाहो उसको लगा सकते हो। इसको मैं पाल पे लेके फिर ऐसे प्रेस कर दूंगी। टोनर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो स्किन पे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पॉन्ड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर एंड इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। ये बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करवाता है। एंड इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका स्मेल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।